फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल्स। फिर से मैं लाया हूँ इंडियन एयरफोर्स नेवी SSR-AA का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से प्रैक्टिस सेट का। पहला बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, सारवंत्र दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है, तब हमें पूछ रहा है कि पदों की संख्या क्या होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रथम पद का मतलब ए का वैल्यू दिया है, सारवंत्र का मतलब डी का वैल्यू दिया है और अंतिम पद का मतलब एन का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि एन का वैल्यू यानी कि पदों की संख्या क्या होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू भी दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया है और हमें एन का वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन के जगह पे 80 पुट करा, ए के वैल्यू पुट करा, डी का वैल्यू पुट किया, तो एन का वैल्यू सॉल्यूशन करके निकालेंगे तो राइट आंसर आएगा 26। तो टोटल पदों की संख्या 26 थी। आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 26 20 दो नंबर ऑप्शन दो है जिसका आंसर 26 होगा, करेक्ट है। ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं? तो ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य होता है रूट अंडर ए बी, क्योंकि गुणोत्तर का मतलब होता है ए बी के बीच का अगर कुछ भी है तो सी स्क्वायर बराबर ए बी होता है और स्क्वायर हटता है तो रूट ए बी चढ़ता है। तो ये गुणोत्तर माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में होता है कि अगर दो फर्स्ट एंड लास्ट दिया हुआ है तो बीच वाला का गुणोत्तर माध्य जो होता है रूट अंडर ए बी होता है। तो ये प्रॉपर्टीज होता है जीपी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर समांतर श्रेणी में है तो बी प्लस सी सी प्लस ए और ए प्लस बी किस में होगा? समांतर में होगा, गुणोत्तर में होगा कि हरात्मक मतलब कि एपी में होगा कि जीपी में कि एचपी में? तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बस हमको ये एक चीज पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है एपी में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, तो प्रत्येक में अगर कुछ चीज जोड़ते हैं तो वो भी एपी में ही होता है। जैसा कि ए स्क्वायर में भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जोड़े यहाँ से यहाँ तक, बी स्क्वायर में भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जोड़े और सी स्क्वायर में भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जोड़ेंगे तो ये भी चीजें एपी में होगा। उसके बाद फर्स्ट वाले पार्ट से ए यहाँ से कॉमन करेंगे और यहाँ से कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी बनेगा और यहाँ यहाँ से सी कॉमन करेंगे तो अंदर में ए प्लस बी बनेगा। तो ए फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाला में अगर हम लोग यहाँ यहाँ से बी कॉमन करेंगे तो यहाँ ए प्लस बी बनेगा, यहाँ यहाँ से सी कॉमन करेंगे तो बी प्लस ए बनेगा और यहाँ से सी स्क्वायर है और यहाँ से सी प्लस ए है। तो फर्स्ट एंड लास्ट से अगर हम लोग C कॉमन करेंगे तो C प्लस ए बनेगा और इससे B अगर कॉमन करेंगे तो C प्लस ए बनेगा जो कि AP में ही होगा। क्यों AP में? क्योंकि हम लोग इसी को हम लोग मल्टीपल में कर दिए कॉमन लेकर। दूसरा बात कि हम लोग इस फर्स्ट वाले पार्ट को a प्लस बी अगर इससे और इससे दोनों से a प्लस बी अगर कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा a प्लस सी। इस तरह से यहाँ पे a प्लस बी कॉमन लेंगे तो बचेगा b प्लस सी। फिर इससे अगर c प्लस ए कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा b प्लस सी जो कि AP में होगा। प्रत्येक में अगर a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए से भाग करेंगे तब पर भी एपी होगा, क्योंकि अगर एपी में कुछ जोड़ते हैं घटाते हैं गुना करते हैं या भाग करते हैं तो वो चीज़ें एपी में होता है। तो चलिए अगर इसमें से अगर इस तीनों से भाग करेंगे तो दो चीज़ कटेगा और नीचे बनेगा 1/b प्लस सी, यहाँ भी दो चीज़ें कटेगा और बचेगा 1/c प्लस ए और यहाँ भी दो चीज़ें कटेगा और बचेगा 1/a प्लस बी जो कि एपी में होगा। लेकिन अगर इसको हम लोग को पूछ रहा है कि बी प्लस सी प्लस ए किस में होगा तो इसको पलटेंगे तो वो होता है एचपी, यानी कि एपी का इन्वर्स एचपी होता है और एचपी का इन्वर्स एपी होता है। तो हमसे पूछा जा रहा था कि ये किस में होगा तो इसको लाने के लिए हम लोग को पलटना पड़ेगा और पलटेंगे तो ये बन जाएगा एचपी में। तो इसका राइट आंसर होगा हरात्मक श्रेणी यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एचपी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन करना है, समेशन करना है एन का क्यू। देखिए इसका हरात्मक श्रेणी दिख नहीं रहा था वो लाइट की वजह से। नेक्स्ट है समेशन करना है एन का क्यू का। तो देखिए एन का क्यू अगर समेशन करना रहेगा तो पावर एक कम कर दिया जाता है और फार्मूला हो जाता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर एन के पावर चार का समेशन बोलता तो यहाँ पावर हो जाता तीन और एन इंटू एन प्लस वन बाई टू करते। तो ये बिल्कुल प्रॉपर्टीज है समेशन का कि अगर एन का वैल्यू कितना भी अगर पावर रहेगा तो एक पावर कम करके यहाँ लिखा जाता है और यहाँ पे एन इंटू एन प्लस वन बाई टू लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट थ्री प्लस आई का मापांक क्या है। तो मापांक का मतलब होता है मोडुलस और मोडुलस का मतलब होता है रूट अंडर एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर जोड़ में,
x का मतलब होता है रियल पार्ट और y का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। तो x का वैल्यू है यहाँ पे रूट थ्री रियल पार्ट, तो रूट थ्री का स्क्वायर 3 होगा, और आयोटा पार्ट का वैल्यू 1 है, तो 3 और 1 4 हुआ, और 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोल रहा है समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0, तो इसका विवेचक पूछा जा रहा है। विवेचक का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का। तो इक्वेशन दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो चलिए फार्मूला पे इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। हालांकि ये तो बहुत सिंपल सवाल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और डी स्क्वायर डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac से सबका वैल्यू, बी का वैल्यू माइनस 5 है, और माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 4 है, तो कैलकुलेशन कराएंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 9, और ऑप्शन में देख पा रहे होंगे 9 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और अल्फा बीटा है इसका 2 रूट, तो हमसे पूछा जा रहा है कि रूट अंडर अल्फा बाई बीटा प्लस रूट अंडर बीटा बाई अल्फा प्लस रूट अंडर बी बाई ए जो कि कांस्टेंट है, इसका तीनों का सम करेंगे तो कितना होगा। चलिए इसका देखते हैं, हम जानते हैं कि अल्फा बीटा जब रूट रहता है तो दोनों का सम और मल्टीपल यानी कि दोनों मूलों का जोड़ योगफल और गुणनफल दोनों निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन इसका कैसे करते हैं। तो एक इक्वेशन है, इसका 2 रूट है अल्फा और बीटा, तो हम लोग पहले निकालेंगे ये दोनों का सम, माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ सी भी एक कांस्टेंट है जो कि यहाँ पे बी है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू बी बाई ए होगा, और हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसको हम लोग अभी साइड रखे हैं, हम ए दोनों का नीचे एलसीएम लेंगे, बनेगा रूट अंडर अल्फा बीटा, और यहाँ से बीटा बीटा कटेगा तो अल्फा बचेगा, तो रूट अल्फा और रूट अल्फा बन के अल्फा बन जाएगा, और यहाँ भी बीटा बनेगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और यहाँ अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ से बी बाई ए होता है, और ये रूट में है, तो जैसे ही रूट वाले को ऊपर करेंगे यानी कि एक को ऊपर नीचे करेंगे तो रूट रूट से कैंसिल होगा और बनेगा रूट बी बाई ए जो कि यहाँ पे माइनस बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए है, तो एक माइनस में और एक प्लस में इसका कट के आंसर 0 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बोल रहा है ए के ए प्लस एक्स के पावर एन के विस्तार में पदों की संख्या, बिल्कुल ये भी थ्योरेटिकल है, प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी भी समीकरण का अगर पावर जितना है उसके विस्तार में जो पदों का संख्या होगा एक ज्यादा होता है, जितना पावर रहेगा दोनों का उससे एक ज्यादा होता है, तो एन प्लस वन का एन प्लस वन हो जाएगा। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टोटल कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं क्योंकि पावर 2 है, तो इसी तरह से जितना भी पावर रहेगा इक्वेशन में उसमें पदों की संख्या एक ज्यादा होता है, तो एन प्लस वन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ए डिटर्मिनेंट है, तो ए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते वक्त एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 24 आएगा, तो x का वैल्यू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और उससे वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू 24 है, तो इसको डिटर्मिनेंट में तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और बराबर 24, और एक बनेगा इस 24 को अगर लेफ्ट साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 5x माइनस 24, और 24 को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो 8 3 में टूटेगा, और फिर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 8, और एक्स का वैल्यू एक बनेगा माइनस 3 और दूसरा बनेगा एक्स बराबर 8। तो बहुत सिंपल सवाल था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता, उसको सॉल्यूशन कर देते हैं, दो आंसर आ जाता, तो आंसर कितना आया? माइनस 3 और 8। तो यहाँ पे देख लेते हैं माइनस 3 और 8 कौन सा है, तो माइनस 3 और 8 ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 है और एक्स के पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है। तो चलिए ऐसे सवालों में हम पिछले सेट में भी ऐसा क्वेश्चन दिए हुए थे कि अगर यहाँ पे लिमिट रहेगा कुछ भी और यहाँ पे ऐसा फंक्शन जो जितना पावर रहेगा उसके बेस करेगा, जैसे एक्स के पावर एन लिख सकते हैं माइनस 1 के कितना भी पावर दे सकते हैं, तो 1 के पावर एन लिख दिया और नीचे में एक्स माइनस 1 लिख दिया। अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो हम लोग सिर्फ एक्स वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं, मतलब कि इस फॉर्म का अगर लिमिट में आया कि एक्स के पावर 2 माइनस वाई के पावर 2 और नीचे में एक्स माइनस 2 दिख गया तो डायरेक्ट हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर ऐसा फंक्शन आया तो एक्स के पावर एन को डिफ्रेंशिएट किया तो एन एक्स के पावर एन माइनस 1 बना। अब हम लोग सीधा एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करेंगे एन एक्स का वैल्यू तो यहाँ बनेगा 0, एक्स का वैल्यू यहाँ पे सॉरी 1 पुट करेंगे, एक्स की जगह पे अगर
वन पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा वन एन माइनस वन, और वन का भी पावर कितना भी होता है तो वन ही होता है, और एन को अगर वन से गुना करेंगे तो एन ही होगा इसका राइट आंसर। तो इस लिमिट का आंसर जो बनेगा वो लिमिट का आंसर बनेगा एन, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। ये तो प्रॉपर्टीज है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे और साइन x बाई एक्स रहे तो इसका वैल्यू जीरो होता है, तो ये प्रॉपर्टीज है लिमिट का, तो एक बोल सकते हैं कि फार्मूला भी है। तो साइन x बाई एक्स का वैल्यू जीरो होगा कब, जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन का, ये भी फार्मूला ही है डिफरेंशिएशन का कि x के पावर n का जो फार्मूला बनता है n गुना x के पावर n माइनस वन बनता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, बोल रहा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमको डिफरेंशिएट करना है कि इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सवाल है, क्योंकि अगर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखें तो ये फार्मूला होता है 2 टेन इनवर्स x का, तो y के हम लोग जगह पे रख सकते हैं, y की जगह पे रखा 2 टेन इनवर्स x, क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है 2 टेन इनवर्स x। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इज द कॉन्स्टेंट बाहर निकालेंगे और टेन इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना और 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन जो बना 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना। तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि ये y बराबर जो भी इनवर्स फंक्शन है पहले देख लीजिए कि कोई फार्मूला पे आ रहा है कि नहीं, अगर फार्मूला पे आ रहा है तो उसको चीज़ें सॉल्यूशन करते वक्त आसान हो जाती है, आप उसको फार्मूला के बेसिस पे बैठा कर और फट से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जैसा कि किया हुआ दिख रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर मिलाते हैं 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई बराबर एक्स के पावर 4 है और हमको बोल रहा है कि तीन बार डिफरेंशिएट करो, तो एक बार करेंगे तो 4x क्यूब बनेगा, दोबारा करेंगे तो 12x स्क्वायर बनेगा, फिर करेंगे तो 36x बनेगा, तो इस तरह से 24x बनेगा, तो इसमें 24x भी, जैसा कि आपको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं वाई का वैल्यू एक्स के पावर 4 है, हमको निकालना है तीन बार का डिफरेंशिएशन, तो पहले करेंगे तो 4x के पावर 3 बनेगा, दोबारा से करेंगे तो 12x स्क्वायर बनेगा, फिर करेंगे तो 24x बनेगा, तो बहुत सिंपल सवाल था डिफरेंशिएशन का, तो ये इसका आंसर आएगा 24x। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू dx, तो ये भी इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, आप नीचे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल गुणनखंड कर दीजिए और एक चीज़ कट जाएगा जैसा कि आपको हम दिखाते हैं। तो ये रहा इंटीग्रेशन, नीचे वाले को हमने गुणनखंड के रूप में दो भाग में तोड़ लिया, x माइनस 2 बनेगा x माइनस 1 बनेगा और x से एक कटेगा, तो अब अंदर में क्या बच रहा है, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 बटा x माइनस 1 इंटू डीएक्स, और 1 बाई x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो log x, तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा log के अंदर x माइनस 1 प्लस c, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 91 नंबर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है कि साइन के पावर क्यू थीटा है तो आप बताइए कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन के पावर क्यू थीटा है और लिमिट देख लीजिए जीरो से लेकर पाई बाई टू है, जीरो से लेकर पाई बाई टू है, तो हम ये बोलना चाह रहे थे इसमें सवाल में आप फार्मूला पे लाने के लिए चार से भाग कीजिए और चार से गुणा कीजिए, ऐसा करने से साइन थ्री थीटा का फार्मूला होता है, तो साइन थ्री थीटा का जो फार्मूला होता है उससे हम लोग निकाल लेंगे फोर साइन क्यू थीटा का वैल्यू, और फोर साइन क्यू थीटा का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और यहाँ तो 1 बाई 4 रहेगा ही रहेगा, 0 से पाई बाई 2 लिमिट रहेगा, और इसको फिर हमने ब्रेक किया दो पार्ट में ब्रेक किया, तो यहाँ पे बनेगा 1 बाई 4 0 से पाई बाई 2 लिमिट 3 साइन थीटा, और यहाँ पे बनेगा डी थीटा माइनस 1 बाई 4 इसके साथ भी आएगा और साइन 3 थीटा और 0 से पाई बाई 2 लिमिट रहेगा डी थीटा के रिस्पेक्ट में। अब 3 यहाँ से बाहर करेंगे तो 3 बाई 4 बनेगा 0 से पाई बाई 2 लिमिट, जैसा कि देख रहे हैं साइन थीटा डी थीटा बचेगा, और यहाँ बनेगा 1 बाई 4 0 से पाई बाई 2 साइन 3 थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस थीटा होता है, लिमिट बैठा देंगे 0 से माइनस पाई बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन जो बनेगा साइन 3 थीटा का कोस 3 थीटा होता है माइनस में, लेकिन 3 जो है गुना में है थीटा का, तो यहाँ भाग हो जाता है, ऐसा रूल होता है कि अगर साइन 2x रहेगा तो 2 से भाग करेंगे x का जो कॉफिशियंट रहेगा, और यहाँ थीटा का जो कॉफिशियंट है 3 से भाग करेंगे तो माइनस कोस 3 थीटा बटा 3 बनेगा और लिमिट 0 से पाई बाई 2। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो 3 बाई 4 आएगा, अगर यहाँ थीटा की जगह पे पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ बनेगा 0 और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस तो रूल ही होता है कि लोअर लिमिट को घटाया जाता है, तो यहाँ पे प्लस हो गया और प्लस को 3 बाई 4 से गुना करेंगे तो 3 बाई 4, और माइनस 1 बाई 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई 12 होगा, और थीटा के जगह पे पाई बाई 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा और
एक बार माइनस में लोअर लिमिट करेंगे तो कोस जीरो का वैल्यू माइनस वन बन जाएगा, जो कि माइनस माइनस प्लस दे देगा, और प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस एक बटा बारह दे देगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे 8/12 और कट के फिर 2/3 आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा था। हम बोल सकते हैं कि ट्रिपल एंगल फार्मूला साइन वाला में यूज करना पड़ा था, यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि 4 sin θ का फार्मूला ये है और मेन मैकेनिज्म यहाँ है, यहाँ तक कर लिए तो दो पार्ट में ब्रेक करके आराम से इसके कैलकुलेशन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर बना दिख पा रहा होगा 2/3। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, 2/3 करेक्ट आंसर इज दूसरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 92 नंबर। तो 92 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर दिया हुआ है और x बराबर भी दिया हुआ है 0। तो बोल रहा है कि y बराबर इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक इक्वेशन दिया है y बराबर 2x का और x बराबर 0 दिया हुआ है और y बराबर 2 है। अब इन तीनों से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो चलिए हम एक इक्वेशन दिया था y बराबर 2x, x बराबर 0 और y बराबर 2। अब y बराबर 2x का तो ग्राफ जो होगा सीधा एकदम कांस्टेंट जाएगा, और x बराबर 0 तो ये वाला लाइन है x बराबर 0 का और ये है y बराबर 2 का। तो ये बना त्रिभुज और त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इक्वेशन देख पा रहे होंगे, इक्वेशन है y बराबर 2x का। अब जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो x इंटू dy के रिस्पेक्ट में, क्यों? क्योंकि y का वैल्यू दिया हुआ है इसलिए हम लोग को dy के रिस्पेक्ट में करना होगा और x एक्सिस के कोण, तो x का जो वैल्यू होगा यहाँ से इससे वैल्यू निकाल सकते हैं, x का जो वैल्यू होगा वो y बाई टू निकलेगा, तो y बाई टू इंटू यहाँ पे बनेगा dy, गलती से x लिखा गया था, y बाई टू इंटू dy और लिमिट 0 से 2 तक, 0 से 2 लिमिट करेंगे और y बाई टू का तो 1/2 कॉन्स्टेंट हो जाएगा बाहर और y का जो होगा y स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। तो अब y की जगह पे एक बार 2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। तो इसका एरिया आ जाएगा 1 यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर में देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan 15 प्लस tan 75 का वैल्यू क्या होगा? तो tan 75 है और tan 15 है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे tan 75 को cot 15 में, जैसा कि आप क्वेश्चन का आंसर देख पा रहे होंगे। tan 15 को tan 15 छोड़ा, tan 75 को लिख दिया cot 15, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे 75 है तो यहाँ 15 चाहिए, लेकिन tan जो है वो cot में बदल जाएगा। तो अब इस cot को 1/10 किया, क्योंकि cot जो होता है रिवर्स होता है tan का, यहाँ से LCM लिया तो बना 1 + tan² 15, और 1 + tan² 15 जो होता है वो sec² θ के बराबर होता है, यानी कि sec² 15/tan 15। अब इसको सॉल्यूशन करते वक्त करने के लिए हमने क्या किया कि sec स्क्वायर को लिखा 1/cos² और नीचे जो tan था उसको sin/cos में तोड़ा, तो नीचे से एक ठो बचेगा तो नीचे होगा 1/sin 15 इंटू कोस 15। तो फिर से इसको फार्मूला पे लाने के लिए नीचे ऊपर 2 से गुना भाग किए, ऐसा करने से 2 sin θ इंटू कोस थीटा sin 2θ का फार्मूला बनेगा और ऊपर तो 2 एकम 2 ही बचेगा, तो 2/sin 30 हो गया, और sin 30 का वैल्यू 1/2 और 2 ऊपर गया तो इसका कैलकुलेशन 4 बन गया। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 4। आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ये मतलब कि 1 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 94 जो क्वेश्चन है, sin 70 + cos 40 / cos 70 + sin 40। तो इसको भी वैसे ही कन्वर्जन फार्मूला से, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो उसी पर इसको बैठाएंगे तो बनेगा साइन 70 को साइन 70 ही छोड़ दिया है, लेकिन कोस 40 को लिखा साइन 50। क्यों? क्योंकि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा कोस साइन थीटा होता है और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो यहाँ लिखा साइन 50। और इस कोस 70 को कोस 70 छोड़ा, इसको लिखा कोस 50। और यहाँ साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला 2 sin A + B/2 का मतलब है 70 + 50 120/2 = 60, और इंटू कोस जो होता है 70 - 50 A - B/2, यानी कि 70 में से 50 घटाएंगे तो 20 में 2 से भाग करेंगे तो 10। इसका फार्मूला होता है कोस ए प्लस कोस बी का, कि 2 cos A + B/2 इंटू कोस A - B/2, तो यहाँ बनेगा 60, यहाँ बनेगा 10। तो आप देख पा रहे होंगे 2 से 2 कटेगा, cos 10 कटेगा, तो साइन बाई कॉस 10 होता है और 10 60 का वैल्यू √3 होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें देख पा रहे होंगे √3 ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। और ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है कि cos अगर हाफ एंगल रहेगा A/2 तो इसका फार्मूला बनता है √S, जो है S क्या है, पेरीमीटर है किसी भी ट्रायंगल का, तो S × S - A / BC side। तो ये फार्मूला होता है, प्रॉपर्टीज होता है ट्रायंगुलर फॉर्म का, ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रायंगल में
कि cos a by 2 यानी कि हाफ एंगल का जो फार्मूला होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस a, जहाँ a b c साइड होते हैं और s होते हैं पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, तो ये फार्मूला सही होगा इसके लिए, तो फार्मूला बेस्ट था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 96 नंबर, इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि कोई भी ट्रायंगल ABC है जिसमें A का एंगल 120 है और B एक साइड है जिसका यूनिट में 2 दिया हुआ है और C भी एक एंगल है जिसका वैल्यू 30 डिग्री है, तो हमें A का वैल्यू क्या होगा, A का मान का मतलब है कि A की वैल्यू कितनी होगी साइड की। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देख पा रहे होंगे एक एक एंगल है जिसका वैल्यू दिया है, जिसका वैल्यू सी का एंगल दिया है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीन एंगल होते हैं और तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो दो एंगल दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि बी ए और सी एंगल दिया हुआ है तो बी एंगल कितना होगा, तो 180 में से ए दोनों को घटाकर 30 एंगल होगा बी वाले का। अब एक रेशियो एक रिलेशन होता है ट्रिगोनोमेट्री में, एक ट्रायंगल करके चैप्टर है ट्रायंगुलर फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री ऐसे करके, उसमें एक रिलेशन दिया हुआ है ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी, तो ए की जगह पे ए ही छोड़ देंगे और यहाँ पे साइन 120 बराबर बी के जगह पर रख देंगे जो एंगल जो वैल्यू दिया हुआ है 2 और साइन बी का वैल्यू दिया है बी का वैल्यू एंगल में तो एंगल दिया है 30। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 2√3, तो ए का जो वैल्यू होगा वो आंसर आएगा 2√3, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट। एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए देखने से आपको लग रहा होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स तो एक्स होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा सीखे होंगे, तो एक बात और याद रखिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स तभी होता है जब एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 होता है, लेकिन यहाँ पे 2π/3 है जो कि -π/2 और π/2 के रेंज में नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 को 2π/3 लिखना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये -π/2 से π/2 के रेंज में नहीं है। अगर ये रेंज में होता तब आराम से ऐसा लिखा जा सकता था। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा साइन 2π/3 को, कि हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, बिल्कुल ब्रेक करके थोड़ा सा लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई थ्री, आखिर इसका भी तो सोल्यूशन 2π/3 होगा ना। और हम लोग जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा के बराबर होता है, तो इतना को हमने साइन पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, हमें लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री, क्यों, क्योंकि साइन 2π/3 का वैल्यू साइन पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, तो अब ऐसा लिखने से हम पाई बाई थ्री आंसर करेंगे, क्योंकि पाई बाई थ्री का जो वैल्यू है -90 से +90 के बीच में है, तो इसका आंसर होगा पाई बाई थ्री। तो ऑप्शन में देख लीजिए पाई बाई थ्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समांतर रेखा ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 है और दूसरी समांतर रेखा है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, तो दोनों के बीच में दूरी, तो जी हाँ बिल्कुल ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट मैथ्स में देखा था, हूबहू आया हुआ था ऐसे सेट में क्वेश्चन, तो ये दोनों के बीच की दूरी होती है c1 माइनस c2 अपॉन रूट अंडर a2 प्लस b2 का मॉडुलस, यानी कि जो निगेटिव आएगा उसको भी प्लस में करेंगे और जो प्लस आएगा तो प्लस ही रहेगा। तो a एक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, अगर दो इक्वेशन दिया रहेगा तो c1 माइनस c2 अपॉन रूट अंडर a2 प्लस b2, तो बिल्कुल ये प्रॉपर्टीज होता है ज्योमेट्री में, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक का पॉइंट्स दिया हुआ है, b का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और इसके बीच का दूरी दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। समझ जाइए क्वेश्चन कि एक कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया है और दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है, तो हम लोग लैम्डा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है एक कोऑर्डिनेट्स है लैम्डा 4, दूसरा है 1 7 और दोनों के बीच की दूरी 5 दिया हुआ है, तो हम लोग दूरी सूत्र से रिलेशन निकालेंगे तो 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 3 7 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बराबर 5, स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो बनेगा 5 का स्क्वायर 25, और इस तरह से एक रिलेशन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 15 बराबर 0, और इसको हम लोग ब्रेक करेंगे गुणनखंड में तो बनेगा लैम्डा का वैल्यू 5 भी होगा और -3 भी होगा, तो बिल्कुल दूरी सूत्र से इसका वैल्यू समीकरण में कन्वर्ट करेंगे और समीकरण में से इसका लैम्डा का वैल्यू निकाल देंगे, तो इसका आंसर आएगा 5 और -3। तो इसमें ऑप्शन देख पा रहे होंगे 5 और -3, जी हाँ बिल्कुल तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज का लास्ट 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स सेट का, जो कि 100 नंबर में देख पा रहे होंगे आप, एक समीकरण है इलिप्स का दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर बटा 100 प्लस वाई स्क्वायर बटा 75 का वैल्यू 1 है और लेटेस्ट रेक्टम। जी हाँ, ऐसा ही सवाल, एकदम सेम सवाल, इसको भी मैंने पिछले सेट में सॉल्व किया हूँ। चलिए फिर से इसको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बटा 100 प्लस वाई स्क्वायर बटा 75 बराबर 1, और इसका लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना है। तो लेटेस्ट रेक्टम में आप देख पा रहे होंगे इसका जो जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। तो आप देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर के जगह पे 100 है और बी स्क्वायर के जगह पे 75 है। तो ए स्क्वायर पे 100 है तो ए का वैल्यू हम 10 लिख सकते हैं अंडर रूट करके, और फार्मूला होता है लेटेस्ट रेक्टम का 2b स्क्वायर बटा ए। लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला ही होता है, तो 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू 75 पुट करेंगे क्योंकि 75 दिया हुआ है, और ए का वैल्यू 10, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में सही है, ये ऑप्शन दूसरा सही है। तो दोस्त, आज का ये 25 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें, बहुत सारी सेट्स हम लाएंगे इंडियन एयरफोर्स नेवी सब का, मैथमेटिक्स हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके जीएस या इंग्लिश हो, कुछ भी का, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, थैंक यू।